उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में मीट माफिया हाजी याकूब कुरैशी की मेरठ के शकरपुर गांव में स्थित संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। ये संपत्ति कुरैशी की पत्नी संजीदा बेगम के नाम पर है, जिसकी कीमत करीब 9 करोड़ बताई जा रही है। ये मोहम्मद हाजी याकूब कुरैशी तथा अन्य लोगों पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था, अवैध मीट फैक्ट्री तथा अडल्ट्रेशन को लेकर के एक मुकदमा दर्ज किया था। उसी के तहत पूरी आपराधिक हिस्ट्री देखते हुए एक गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था खथाना खौदा में, जिसके तहत 14A के तहत ये सारी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इसमें 7 लोग नामित थे, जो सभी लोग, 2 लोगों को एंटीसिपेटरी बेल मिली थी, बाकी लोग सभी लोग जेल में थे। आज जो संपत्ति कुर्क की जा रही है वो संजीदा बेगम के नाम पर है। ये थाना खरखौदा के शाकरपुर गांव में स्थित है, हापुड़ मेरठ बाईपास के पास में स्थित है। इसकी लगभग मूल्य 9 करोड़ के आसपास है। हमारे द्वारा कुल 32 वाहन तथा 29 के करीब आवासीय भवन तथा खेत चिन्हित किए गए हैं, इनकी कुर्की की जाएगी, जिनका लगभग मूल्य 31 करोड़ के आसपास है। याकूब कुरैशी की जाहिदपुर, पीपली खेड़ा, शकरपुर, दरियागंज, आड़, अलीपुर समेत 10 गांवों में जमीन मिली है, कुछ जगह निर्माण भी है। याकूब की पत्नी संजीदा बेगम की सराय बहलीन कोतवाली में 2 आलीशान कोठियां हैं। याकूब उसके बेटे इमरान, फिरोज के नाम मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर के साथ साथ स्पोर्ट्स बाइकें भी हैं। कुरैशी की अल्फहीम मीटेक्स कंपनी के नाम 23 गाड़ियां हैं। आपको बताते चलें कि माफिया हाजी याकूब कुरैशी इन दिनों सोनभद्र की जिला जेल में बंद है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे याकूब कुरैशी पर यह कार्रवाई 31 मार्च 2022 को उसकी मीट फैक्ट्री पर छापेमारी के बाद हुई है।